देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1130 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं 86,961 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल 54,87,580 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित मामलों की संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,627 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 12,08,642 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 32,671 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 3,812 नए मामले सामने आए, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2,46,711 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,758 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल 3,57,275 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना में बढ़ोतरी का सिलसिला बरकरार है। कोरोना के मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत नंबर 2 पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।